दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो वीडियो में देखा, इस तरह के वीडियो पे कितना सारा व्यूज आता है, आज मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। साथ ही साथ इस तरह का वीडियो कैसे बनाया जाता है ये भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए चलते हैं यूट्यूब पे और पहले प्रूफ देख लेते हैं इस तरह का वीडियो में कितना सारा व्यूज आ रहा है, उसके बाद हम लोग बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने YouTube ओपन कर लिया है और यहाँ पे सर्च कर दिया है एनिमल क्रॉसिंग वीडियो। यहाँ पे इतना लिख के सर्च करने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक एनिमल क्रॉसिंग वाला वीडियो है जो 8 महीने पहले अपलोड हुआ है। और इस पे व्यूज कितना है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, इस पे व्यूज कितना है, 3.7 करोड़ व्यूज है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पे एक और वीडियो है जो कि 5 महीने पहले अपलोड हुआ है और यहाँ पे 58 लाख व्यूज है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरा वीडियो पे देख सकते हैं आप लोग, 2 महीने पहले अपलोड हुआ है और इस वीडियो पे 3.5 करोड़ व्यूज है। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो में बहुत सारा व्यूज आ रहा है, तो आप लोग इस तरह का चैनल बना के और ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बताते हैं कि इस तरह का वीडियो बनाना कैसे। उसके लिए आप लोग को 2-3 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एप्लीकेशन को आप लोग को कैसे डाउनलोड करेंगे, उस एप्लीकेशन से कैसे वीडियो बनाना है, सब लोग सब कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो के तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में लिखना है, चलिए मैं बताता हूँ क्या लिखना है, कार्टून ग्रास, इस तरह से लिख के सर्च कर देना है। इतना सर्च करने के बाद आप लोग के सामने बहुत सारा घास दिखने को मिल जाएगा, बहुत सारा दिखने को मिल जाएगा। इसी में से क्या करना है, किसी एक को डाउनलोड करना है, जैसे कि किस इसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का एक सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से सर्च बार में आना है और यहाँ पर सर्च कर देना है कार्टून बैकग्राउंड लैंड, कुछ इस तरह से लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इस जो धरती वाला बैकग्राउंड है उसको डाउनलोड कर लेना है, जैसा कि ये है इसको डाउनलोड कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, दूसरे एप्लीकेशन की तरफ चलिए बढ़ते हैं, हम लोग को जाना है पिक्सल लैब में। तो दोस्तों, चलिए मैं पिक्सल लैब ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इमेज साइज में आना है और यहाँ पे कस्टम में जाना है और यहाँ पे यूट्यूब बैनर पे सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसमें आ जाना है, चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन सा में, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से कुछ इस तरह का सेव ले लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, चलिए वो दिखाएंगे हम लोग दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। कुछ इस तरह से इस सेव को ले लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसका कॉपी करते जाना है, कुछ इस तरह से कॉपी करना है। मैं क्रॉप पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से कॉपी करेंगे, कुछ इस तरह से कॉपी करते जाना है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कॉपी करके कुछ इस तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, चलिए वो दिखाता हूँ मैं, वीडियो में बने रहिए। इतना कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आना है बैकग्राउंड वाला ऑप्शन में, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आ जाना है जहाँ पर मैंने मार्क किया है नीचे साइड, यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से यहाँ पे शेप वाला ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से आप लोग को क्या करना होगा, पहले तो इसका कलर चेंज कर लेना होगा एक एक करके, जो जो कलर चाहिए आप लोग वो कलर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कलर एनेबल कर देता हूँ, रेड हो गया, इस दूसरे वाला बॉक्स में आऊँगा, यहाँ पे कलर पे जाऊँगा और इसको भी एनेबल करके कोई भी कलर ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला कलर ले लिया मैंने। उसके बाद फिर से दूसरा वाला बॉक्स में जाऊँगा और दूसरा कलर सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि इसको कोई भी कलर दे देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पीला कलर ही दे दिया। उसके बाद ओके कर देंगे, कुछ इस तरह से आप लोग को कर लेना है। इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देता है, मैं दिखा देता हूँ ये वाला ऑप्शन जहाँ पर मैंने मार्क किया, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखता है, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे
यहाँ पे मैंने मार्क किया, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे सब पे टिक लगा देना है, कुछ इस तरह से टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह से कन्फर्म कर देना है कुछ इस तरह से। फिर एक साथ ये सब अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद फिर से यहीं पर क्लिक कर देना है, ये बाहर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, 3D रोटेट में आना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक्सिस को क्या करना है, बढ़ाना है कुछ इस तरह से एक्सिस को बढ़ाना है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आप लोग को यहाँ पे ओके कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। कैसे करेंगे डाउनलोड, आप लोग को पता ही होगा पिक्सल लैब एप्लीकेशन सब लोग यूज करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से क्लिक करके, और सेव इमेज पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, अभी हम लोग को एनिमल्स चाहिए, तो एनिमल्स कहाँ से लेना है, चलिए हम लोग दूसरा एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन हमारा है एनिमल्स पोजिंग, दोबारा मैं नाम बोल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि नाम नहीं बताए। एनिमल्स पोजिंग दूसरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, इस तरह से इंटरफेस आएगा ओपन करने के बाद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा कुछ कंट्रोलर का बटन है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये सारा कंट्रोलर का बटन है, इससे साइज छोटा बड़ा होता है। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इससे साइज छोटा बड़ा होता है। एक कैमरा एंगल है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, कोई एक एनिमल सेलेक्ट कर लेना है जिसपे आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं। आप लोग को कहाँ से एनिमल सेलेक्ट करना होगा आप लोग देख सकते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग को यहाँ पे बहुत सारा एनिमल्स देखने को मिलेगा, अनगिनत एनिमल्स है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को एक एनिमल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी चाहिए आप लोग को वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को, जैसे कि मेरे को गाय चाहिए, यहाँ पे गाय को सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, इसका बैकग्राउंड ग्रीन करना होगा। वो कैसे करेंगे, आप लोग देख सकते बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, ग्रीन बैकग्राउंड कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट पोज का ऑप्शन दिखता है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेलेक्ट पोज का यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको पोज दे देना है, कौन सा पोज में चलाना है, आज इसको चलाना है या दौड़ाना है या अटैक करवाना है, जो भी चाहिए, ईट खाना खिलाना है इसको, इस तरह से जो भी पोज में चाहिए वो पोज में इसको ले लेना है। उसके बाद आप लोग को इसको रिकॉर्ड कर लेना है, जैसे कि मेरे को ये वाला पोज में चाहिए, इस साइड से इस एंगल में चाहिए, जिस एंगल में चाहिए उस एंगल में भी इसको घुमा के ले सकते हैं। जैसे कि इस एंगल में मेरे को चाहिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँगा इसको। कैसे करूँगा, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वॉल का सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये चल रही है कुछ इस तरह से, चल रही है, अप्लाई कर दिया, इस तरह से चल रही है। यहाँ पे एक आई वाला ऑप्शन दिखाई देता है, आई का, वहाँ पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से सारा आइकन हट जाएगा, और इसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है। मैं करके रखा हूँ, तो दोस्तों अभी एडिटिंग करके मैं सिखाऊंगा कि कैसे एडिटिंग करना है। तो दोस्तों चलिए अभी चलते हैं एडिटिंग करने के लिए काइन मास्टर में। तो दोस्तों मैं काइन मास्टर ओपन कर लेता हूँ। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आप लोग को 16:9 रेशियो लेके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मीडिया में जाना है और एक बैकग्राउंड ले लेना है, जो कि इमेज सर्च में एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप लोग को भी एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं यहां से एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा हूं इमेज सर्च में से ही, तो यहां से ले लेता हूं कुछ इस तरह से। इस बैकग्राउंड को ले लिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको इसके ऊपर क्लिक करना है और पेन एंड जूम पे क्लिक करना है, कुछ इस तरह से इसको जूम कर देना है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, ये सारा कुछ बैकग्राउंड हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया, वो सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कर लेना है, उसके बाद लॉक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से बैक करना है और इसको खींच के अपने वीडियो के लेंथ के हिसाब से कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 15 सेकेंड कर देता हूँ, 17 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और जो पिक्सल लैब में हम लोग पट्टी बनाए हैं उसको लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं ये पट्टी ले लेता हूँ, जो कि इस पट्टी को हम लोग बनाए हैं, इस तरह से इस पट्टी को ले लिए हम लोग। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, चलिए मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को फिर से पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आ जाना है। क्या करने के लिए, जो हम लोग लैंड को डाउनलोड किए हैं उसको इस 3D में करने के लिए। कैसे करेंगे, चलिए हम लोग पिक्सल लैब एप्लीकेशन फिर से ओपन कर लेते हैं। पिक्सल लैब में आने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और फॉर्म गैलरी में जाना है, और जो हम लोग भूमि को डाउनलोड किए रहेंगे उसको ले लेना है। इसको डाउनलोड किए जैसे इसको ले लेना है, और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर देना है, और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है, कुछ इस तरह से इसको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे 3D रोटेट पे आना है, और 3D रोटेट पे आने के बाद ऊपर वाले को क्या करना है, आप लोग को 87 कर लेना है, 87
चलिए मैं दिखा देता हूँ, 87 कर लेना है। 87 करने के बाद आप लोग को क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पे 87 कर लेता हूँ पहले, 87 कर लेना है, 87 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करना है, 8 कर देना है, नीचे वाले को 8 कर देना है, वाई एक्सिस को 8 कर देना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को फिर से आ जाना है काइन मास्टर में। तो चलिए चलते हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद जो अभी हम लोग पिक्सल लैब में बनाए उसको ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं उसको ले लेता हूँ, लेयर में जाके मीडिया में जाके उसको ले लेता हूँ। उसको लेने के बाद कुछ इस तरह से इसको बड़ा करना है, कुछ इस तरह से इसको बड़ा करना है। बड़ा करके क्या करना है, चलिए मैं वो दिखाता हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, कुछ इस तरह से सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है और इसको भी खींच के वीडियो के लेंथ के हिसाब से कर देना है। चलिए मैं यहाँ से वीडियो के लेंथ के हिसाब से खींच के कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से इसको बैक करना है और लेयर में जाना है और मीडिया में जाना है और यहाँ पे आप लोग जो घास को डाउनलोड किए रहेंगे उसको ले लेना है। कुछ इस तरह से घास को डाउनलोड किए रहेंगे इसको ले लेना है और यहाँ से कुछ इस तरह से इसको लगाना है, जैसा कि ये देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कुछ इस तरह से सेट करते जाना है, कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर करके, थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करके कुछ इस तरह से यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना, फिर से डुप्लीकेट पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और इस तीनों को खींच के लंबा कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से खींच के लंबा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना होगा, यहाँ से कुछ खींच के लंबा कर देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरह से तीनों को खींच के लंबा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एनिमल्स को ऐड करना है। तो दोस्तों चलिए जो हम लोग एनिमल्स पोजिंग में बनाए हैं उसको ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और जो एनिमल्स पोजिंग को बनाए हैं उसको ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं उसको ले लूँगा, तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, जैसा कि ये देख सकते हैं। इस गाय को मैंने ले लिया, यहाँ पे क्रॉप पे जाऊँगा और क्रॉप पे क्लिक करके कुछ इस तरह से क्रॉपिंग कर लूँगा और क्रॉप करने के बाद यहाँ से क्रोमा की एनेबल कर दूँगा, जैसा कि ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ से 50-50 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। और क्या करना है आप लोग को, कुछ इस तरह से सेट कर लेना और इसको भी डुप्लीकेट कर करके, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके तीनों को डुप्लीकेट कर देता हूँ। तीनों जगह पे इनको ला के रख देता हूँ, जैसे गाय को यहाँ पे भी डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे ला के रख दूँगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, चलिए मैं दिखाऊँगा दोस्तों, वीडियो में बने रही है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इस वाले गाय को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पर लेके आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं किसी एक गाय के ऊपर एनिमेशन कर देता हूँ, उसी तरह से आप लोग को सब में कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाय चल रही है। आप लोग को पहले क्या करना होगा, घास का भी कलर चेंज करना होगा। वो कैसे करेंगे, घास के ऊपर क्लिक करेंगे और फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे बेसिक फिल्टर पे आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है, जैसे इस घास को हमको रेड करना है तो यहाँ पे रेड वाला पे क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा घास। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट में आना है और एडजस्टमेंट में आने के बाद कुछ इस तरह से इसको बढ़ाना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको बढ़ाना है, इसको फिर से जीरो रखना है, उससे नहीं बढ़ रहा है, इसको बढ़ाना है कुछ इस तरह से, जैसा कि ये देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, अभी देखिए इसका कलर चेंज होगा, आप लोग देखते जाइए इसका कलर चेंज होगा अभी कुछ इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से रेड होगा, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा रेड। उसके बाद आप लोग को इसको रेड कर लेना है, जैसे कि जहाँ जहाँ पे पट्टी है उस हिसाब से कलर कर लेना है, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, गाय को यहाँ से कुछ दूर तक लेके आ जाना है, जैसे इस गाय को हम लोग को चलाना है, इस सेकेंड वाले गाय को जैसे कि कलर किया उसको चलाना है, तो इस तरह से कुछ कर लेना है और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कैंची वाला बटन पर जाना है और स्प्लिट कर देना है कुछ इस तरह से। उतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे चाबी वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे पीछे लेके आना है और खींच के इसको कुछ इस तरह से कुछ आगे लेके आना है कुछ इस तरह से, जैसे कि ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आगे लेके आना है, कुछ इस तरह से आगे लेके आ जाना है। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक ईटिंग वाला जो खाते हुए गाय को बना लेना है वीडियो, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से बनाया हूँ, जो कि इसको डिलीट करता हूँ और उसको एड करता हूँ, जैसे कि एनिमल्स पोजिंग में बना सकते हैं वो वाला वीडियो मैं आप लोग को दिखाया हूँ। एनिमल्स पोजिंग में सब पोज है, जहाँ पे यहाँ पे लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पे फिर उसको ले लेना है खाते हुए गाय को। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ले लिया, इसको लेने के बाद यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करूँगा और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से क्रॉप कर दूँगा, कुछ इस तरह से क्रॉप करूँगा और यहाँ से क्रोमा की एनेबल कर दूँगा, जैसे कि ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद इसको भी एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इसके ऊपर ला के रख देना है, जैसे कि इस गाय के ऊपर ला के रख देना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसके बाद इस ये गाय खाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि इस मान लीजिए यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेके फिर से इसको कैंची का बटन लगा देना है,
जैसा कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, सॉरी दोस्तों मेरा डिलीट हो गया, कुछ इस तरह से कर लेना है, कुछ इस तरह से खाएगी और उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से फिल्टर में आना है, और फिल्टर में आने के बाद बेसिक फिल्टर में आके और इसका कलर जैसे रेड कर दिया मैंने कुछ इस तरह से। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, आप लोग को देख लीजिए कैसा वीडियो बना है। कुछ इस तरह से गाय चलते हुए आएगी, कुछ इस तरह से यहाँ पे रुकेगी और खाएगी कुछ इस तरह से, आप लोग देख सकते खाएगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। वो लोग भी वीडियो बनाए थे, इस वीडियो को इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी बताया हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, इस तरह से आप लोग को वीडियो बना लेना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।